नमस्कार मित्रों भीमभाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तह दिल से स्वागत है भीमभाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इस महाश्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के चौपन एपिसोड शामिल है और इस माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार उनका कार्य उनकी फलसूफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत देश के लिए जो सपना देखा था वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों इस बयालीसवें चरण में मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में जो नाट्यपूर्ण प्रवेश किया उसके बारे में और संविधान सभा में उन्होंने जोशपूर्ण मजबूत शुरुआत उन्होंने जो की उसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा है संविधान सभा की पहली बैठक हो गई वो दिन था 9 दिसंबर 1946 और मुस्लिम लीग ने उसके ऊपर बहिष्कार का ऐलान किया था फिर भी संविधान सभा की पहली बैठक हो गई और उसमें डॉ राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अध्यक्षता के रूप में उनका उनको नियुक्त किया गया उनका चुनाव हुआ तेरह दिसंबर उन्नीस इस दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का ध्येय घोषित करने का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा और संविधान निर्मित का प्रारंभ वहां से हुआ पंडित जी ने उस वक्त अविस्मरणीय भाष्य किया जिसमें से स्वतंत्र सार्वभौम लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक भारत की निर्मित ये हमारा ध्येय होना चाहिए संविधान का ये ध्येय होना चाहिए ऐलान इस बात का उन्होंने ऐलान किया नेहरू जी ने जो प्रस्ताव सामने रखा था उस पर जब चर्चा शुरू हो गई तब डॉक्टर एम आर जयकर इन्होंने दूसरा प्रस्ताव दिया कि संविधान सभा का काम जो है वो तुरंत स्थगित किया जाए जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था जब तक वे संविधान सभा के कामकाज में समावेश सहभाग उनका नहीं होता है तब तक संविधान का काम स्थगित करना चाहिए ये वो उनका प्रस्ताव था और उसके लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1946 इस दिन को प्रस्ताव सादर किया डॉक्टर जयकर बैरिस्टर जयकर इन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका हेतु बहुत अच्छा था लेकिन बहुत सारे सदस्य बहुत नाराज हो गए उन्हें लगा उसमें कांग्रेस पक्ष दल के भी सदस्य थे और और भी सदस्य थे उन लोगों ने डॉक्टर जयकर जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और ये सब जब चल रहा था तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने आश्चर्यकारिक रूप से अचानक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपने विचार सामने रखने के लिए बुला लिया और ये आश्चर्य की बात इसलिए थी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझ रहे थे कि उनके पास कोई दल नहीं था बड़ा खाली एकमात्र सदस्य थे उनके दल के तो उनका नंबर आने में काफी समय लग सकता है लेकिन अचानक उनका नाम पुकारा गया और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तुरंत पहचान लिया कि उनके लिए ये बहुत अच्छी अच्छा अवसर है और उसने उस अवसर को पूरी तरह से उस अवसर का फायदा उठाया जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बात करना शुरू किया अपनी बात सामने रखना शुरू किया तो सब लोग उनका कहना बहुत ध्यान से सुन रहे थे सबको लगता था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी उस तगन प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे और अपने आप उसमें फंस जाएंगे क्योंकि कांग्रेस के जो जो नेता थे उन की इच्छा आकांक्षा के विरोध में ऐसा कुछ करना यह तो बड़ी आपत्ति हो सकती थी और डॉक्टर अंबेडकर जी विरोध में जाएंगे स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ये जानकर कांग्रेस के सारे सदस्य उनको तिरस्कार सूचक चिल्लाहट करने के लिए तैयार बैठे हुए थे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको आश्चर्य का धक्का दे दिया डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा और मैं उन्हें उद्रुत कर रहा हूं उन्हें कहा महोदय इस महान देश के भविष्यकालीन सामाजिक राजकीय और आर्थिक संरचना के बारे में और इस देश के उज्जवल भवितव्य के बारे में मेरे मन में कुछ भी संदेह नहीं है आज हम सब लोग राजनीतिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से हमारा विभाजन हो गया है ये मैं जानता हूं आज हम एक दूसरे के साथ लड़ने वाले कैंप एक दूसरे के साथ लड़ने वाले शिविर शिविर हो गए हैं आगे चलकर मैं इस बात को भी मान ले सकता हूं कि ऐसे एक शिविर का मैं भी एक नेता हूं किंतु महोदय यह सब सच होने के बावजूद भी मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अगर सही समय और सही परिस्थिति का निर्माण किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को एक होने से परावृत्त नहीं कर सकती है विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय होने के बावजूद भी हमारा देश एक हुए बगैर रहने वाला नहीं है इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है आज मुस्लिम लीग भारत के पार्टीशन के लिए प्रयत्नशील है फिर भी एक संघ भारत ही उनके हित का है ऐसा विचार खुद मुस्लिम लोग एक दिन करने लगेंगे ये कहते हुए मुझे कुछ भी संकोच नहीं हो रहा है जहां तक अंतिम ध्येय का ताल्लुक है मेरी राय में किसी को भी उसके बारे में कोई डर रखने का कोई कारण नहीं है हमारी जो कठिनाई है वो कठिनाई अंतिम भवितव्य के बारे में नहीं है आज जो समाज एक संघ नहीं है उसे समाज के सारे लोगों ने एकत्रित रूप से इकट्ठा होकर एक संघत्व के रास्ते पर उनको कैसे लिया जा सकता है इसका निर्णय लेना यह हमारी मुख्य कठिनाई है हमारी दिक्कत जो है वो अंतिम ध्येय के बारे में नहीं है शुरुआत कैसे करनी चाहिए इसके बारे में इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैंने ऐसा विचार किया है कि खुद होकर हमारे मित्र होने के लिए हरेक दल का मन हमारी तरफ मोड़ने के लिए ये इस देश में जो अभी भी अपने पूर्व ग्रह की वजह से मुख्य प्रवाह में शामिल होने से जो कतराते हैं ऐसे सारे घटकों को शामिल कर देने के लिए अगर कुछ सहूलत देनी पड़ी तो भी देने की उच्च स्तर की राजनीतिज्ञता हमारे देश में जो बहुसंख्यक दल है वो दलों ने दिखानी चाहिए प्रदर्शित करनी चाहिए इसलिए मैं ये आवाहन कर रहा हूं डॉक्टर तो बाबा तो साहब अम्बेडकर जी ने आगे कहा और मैं उन्हें कर रहा हूं लोगों के मन में डर पैदा होगा ऐसी शब्द ऐसी घोषणाएं हम लोग दूर रखेंगे हमारे जो विरोधक है उनके पूर्वग्रह ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ छूट देंगे उन्हें साथ में लेंगे कारण हम लोग जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर वो खुद होकर आके सम्मिलित हो जाएंगे इस मार्ग पर अगर हम लोग सब लोग मिलके अगर दीर्घ काल तक हम लोग चलते हैं तो वही रास्ता हमें निश्चित रूप से एकता की तरफ ले जाएगा आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों में जो विवाद है उसको मिटाने के लिए फिर से एक बार प्रयास करना चाहिए ये मेरा सुझाव है इसका कारण ये है कि प्रश्न जीवन मृत्यु का है यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि किसी एक या दूसरे दल के प्रतिष्ठा के आधार पर यह सवाल हल होने वाला नहीं है मुझे पूरी तरह से इस बात पर मेरा विश्वास है जब राष्ट्र के भवितव्य की बात आती है तो लोगों की प्रतिष्ठा नेताओं की प्रतिष्ठा और दलों की प्रतिष्ठा नगण्य होती है और कोई भी बात से सबसे महत्वपूर्ण होता है राष्ट्र का भवितव्य इस संविधान सभा ने इसको एक दिल से काम करने के लिए यह हितावह होगा ऐसे नहीं तो मुस्लिम लीग ने कुछ भी निर्णय लेने के पहले उनकी प्रतिक्रिया भी संविधान सभा को पता चल जाएगी इसीलिए डॉक्टर जयकर की जो उपसूचना है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं अगर हम उतावले होकर बर्ताव करते हैं तो भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में भी, भी हमें सोचना जरूरी है आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं महोदय महोदय संविधान सभा के कुछ सदस्यों की तरफ से मैंने सुना है कि वो संघर्ष करने के तैयारी में है देश में जो राजकीय प्रश्न है वो युद्ध के मार्ग से हल करने का विचार इस देश के किसी भी व्यक्ति के मन में आता है इस कल्पना से ही मैं भयचकित हो गया हूं देश में कितने लोग इस कल्पना के पीछे है यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन मेरी राय में काफी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं महोदय जिस युद्ध का विचार यहां हो रहा है जो लोगों के मन में है वो युद्ध स्थानिक मर्यादित या केवल ब्रिटिशों के तक सीमित रख सकते हैं क्या ब्रिटिशों के व्यतिरिक्त और किसी के साथ लड़ना पड़ने वाला नहीं होगा तुम तो मेरा विरोध कुछ भी रहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये युद्ध केवल ब्रिटिशों के विरुद्ध हो जाएगा किसी भी संकोच को नहीं रखते हुए इस सभाग्रह को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में युद्ध हो गया और अगर ये युद्ध का संबंध अपने सामने जो प्रश्न खड़ा है उस बारे में होगा तो युद्ध ये ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं होगा वो युद्ध मुसलमानों के खिलाफ होगा इससे भी बुरी बात यह है कि ये युद्ध ब्रिटिश और मुसलमान इनके संयुक्त मोर्चा के खिलाफ होगा अगर होने वाला युद्ध जिस प्रकार मुझे डर है उससे अलग प्रकार से हो जाएगा ऐसे मुझे नहीं लगता है महोदय अमेरिका और इंग्लैंड में जो कॉम्प्रोमाइज हो गया था समझौता हो गया था उस प्रसंग में बर्क इन्होंने एक महत्वपूर्ण भाष्य किया था जिसका एक परिच्छेद मैं इस सभाग्रह को पढ़ के सुनाना चाहता हूं इस सभाग्रह में जो वातावरण निर्माण हो गया है उसे शांत करने में उसका कुछ हद तक उपयोग हो सकता है यह मेरा विश्वास है उन्होंने एडमनबर्ग जी ने कहा कि बल का इस्तेमाल करने के लिए मेरा आक्षेप ये है दूसरा आक्षेप मेरा यह भी है कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके आप जो हासिल करेंगे उसे आप हानि पहुंचाएंगे आप जो हासिल करेंगे वो मूल स्वरूप में नहीं होगा वो अवमूल्यन हुआ होगा उजाड़ हुआ होगा और नाश अंशता नाश किया हुआ उस स्वरूप में वो रहेगा यह बहुमूल शब्द है इनकी तरफ ध्यान नहीं देना यह बड़ा घातक रहेगा हिंदू मुस्लिम समस्या बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आगे चलकर कहा है हिंदू मुस्लिम समस्या अगर बल का इस्तेमाल करके हल करने की योजना अगर किसी के मन में होगी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके लिए युद्ध का अवलंब करके मुस्लिमों को शरण आने के लिए मजबूर करना और उसके बाद संविधान के आधिपत्य के नीचे लाना अगर चाहिए तो उनके सम्मति बगैर तैयार जो हुआ है ऐसे संविधान को शरण जाने के लिए उन्हें अगर बाध्य करना होगा तो इस देश को कायम रूप से इसी प्रयत्न में फंसे हुए रहना होगा एक बार जो विजय मिलेगा ये विजय कायम स्वरूपी नहीं हो सकता है आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं कि बर्क इनको फिर से एक बार उद्धृत करके मैं मेरे भाषण का मेरे भाष्य का समारोप करना चाहूंगा उन्होंने कहा कि एडमंड बर्क ने एक जगह कहा है और उन्होंने कोट किया सत्ता देना आसान है लेकिन सयानपन देना बहुत कठिन है अंकुट इस सभा को मतलब इस संविधान सभा को जो सार्वभौम अधिकार प्राप्त हो गए हैं उसका इस्तेमाल सयाने होकर करने की हम सबकी तैयारी है ये बात हम सब लोग अपने आचरण से सिद्ध करेंगे देश में जो सारे घटक हैं उन समाज घटकों को अपने साथ ले जाने का यही एक मार्ग है एकता की तरफ जाने का इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है इस बारे में अपने मन में कुछ भी संदेह रहना नहीं चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस उत्स्फूर्त भाष्य ने सबका मन जीत लिया इस भाषण की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेस के जो नेता थे उनका जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विषय में उनका जो दृष्टिकोण था उसको बदलने में मदद होगी डॉक्टर अंबेडकर पार्टीशन को विरोध जता रहे थे स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार की बात कर रहे थे और संयुक्त सरकार के तरफ से वो बोल रहे थे इस ऐतिहासिक भाषण ने डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरा राजनीतिक जो कार्य था उसका रुख बदल दिया इस भाष्य के बाद में प्रदीर्घ का काल तक संविधान में तालियों की गूंज होते रही आगे चलकर कई घटनाएं तेजी से हो गई लॉर्ड माउंट बेटन का बर्मा से भारत में आगमन हो गया वो उन्नीस में शुरू शुरू में और जैसे उनका आगमन हो गया कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने उन्हें मिलकर यह कह दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों का जो साथ में रहना कोएलिशन में रहना ये मुमकिन नहीं है ये ठीक से नहीं काम दे रहा है और इसका इसकी परिणति अंतिमतः भारत के विभाजन में हो गई लेकिन वो बाद में की बात है उसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये 15 जुलाई उन्नीस को पारित किया और उसकी वजह से जो संविधान सभा थी वो एक सॉवरीन बॉडी बन गई लेकिन बंगाल का तो पार्टीशन हो गया जब बंगाल का पार्टीशन हो गया पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के रूप में तब कई सदस्य जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे उनकी जो भारत के संविधान सभा में उनकी जो सीट थी वो चले गई लेकिन जो भाषण जो भाष्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने किया था वो इतना प्रभावशाली था कि इस बार कांग्रेस नेता का दृष्टिकोण डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की तरफ इतना बदल गया था कि उन्हें बैरिस्टर जयकर जी ने जब इस्तीफा दे दिया अपने पद का और वो पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए पहले वाइस चांसलर उस वक्त उनके इस्तीफा देने के बाद वो जो सीट खाली हो गई उस सीट पर कांग्रेस की तरफ से और मुंबई प्रोविंस की तरफ से मुंबई इलाके की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोई भी कठिनाई के सिवा कांग्रेस के सपोर्ट के साथ डॉक्टर फिर से संविधान की अपनी सीट लेकर बैठ गए और जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल ये दोनों ने भी इस बात की सिफारिश की कि वो जो वैकेंसी हो गई थी उस वैकेंसी को फिल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से अच्छा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता है और इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में लौट के आ गए और फर्क ये था कि पहले जब वो संविधान सभा में गए थे तो बंगाल की तरफ से गए थे और कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी गए थे इस बार कांग्रेस के पूरे सपोर्ट के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में फिर से पधारे पंद्रह अगस्त उन्नीस भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभराया और इस नवनिर्मित राष्ट्र के लिए उसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का समावेश किया गया विधि मंत्री के रूप में आगे चलकर 29 अगस्त उन्नीस में उस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके सदस्य के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बिठाया गया और दूसरे दिन 30 अगस्त 1947 में उस दिन ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी मसौदा समिति उसके चेयरमैन के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया भारत देश के स्वतंत्र भारत देश के पहले विधि मंत्री और भारत की संविधान निर्मित के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी मसौदा समिति उसकी अध्यक्षता ये दोनों मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक ऊंचाई पर पहुंच गए और उन्हें ऐसी जिम्मेदारी मिल गई जिसके जरिए उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर दिया ये सारी जो घटनाएं हो गई वो जाहिर है कि महात्मा गांधी जी के सहमति के बगैर इसमें से कोई बात हो नहीं सकती थी कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमारे देश के पहले रिमोट कंट्रोल थे वो साक्षात महात्मा गांधी थे लेकिन सत्रह बरस का जो विवाद हो रहा था महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन दोनों में उसकी पृष्ठभूमि पर ये दोनों महानुभाव जो आपस में लड़ते रहे थे उसके बावजूद भी सत्रह बरस के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी को इतना सुयोग्य पद मिल गया जिसका सबके लिए ये ताजुब की बात थी स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे अब महात्मा जी को किसने ये सलाह दी ये बात तो कोई नहीं जानता है लेकिन जो भी अनुसंधान इस विषय पर हुआ है उसे जाहिर है कि जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे निर्णय शायद गांधी जी ने स्वयं होके ये निर्णय ले लिया था राष्ट्र के हित में अगर ये बात सच है तो मेरी राय में ये महात्मा गांधी की बहुत ही बड़े हृदय का बड़े उदारता का निदर्शक है आपको याद होगा जब सत्रह दिसंबर उन्नीस को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पहला भाषण किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब राष्ट्र का भवितव्य ये सुनिश्चित करना होता है तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नेताओं की प्रतिष्ठा दलों की प्रतिष्ठा यह नगण्य होती है सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस देश की प्रतिष्ठा उस राष्ट्र का भवितव्य और ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था उसको वास्तव रूप में करके दिखाया वो महात्मा गांधी जी ने और अपने आप को महात्मा के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में उन्होंने सिद्ध कर दिखाया मित्रों इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए इसे आप शेयर कीजिए इसे आप सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे जल्द ही धन्यवाद नमस्कार